तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक कमाल का लेजेंडरी बॉडी ट्री नाम का ट्री यहां पे था, जिसके पीछे तीन बंदे आराम से बैठे हुए थे और छोटे मोटे बंदे दूर के मारे बस डर के मारे देखे जा रहे, आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। टांग यू और शायुन भी यहां पर आते। टांग यू कहती सीनियर भाई, वो देखो लेजेंडरी बॉडी ट्री बहुत ही रेयर होता है दुनिया में, 10वां सबसे रेयर आइटम यहां पर है और इसको लेने से ना बंदरों को इलाइटमेंट यहां पर मिलता है, जिससे लेवल अप होने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहता यार लेवल अप तो खुद से कर ही लूंगा। मनी मन उसको याद आता है भाई मेरे पास में एपिफेनी प्रोवाइड करेगा, जिससे लेवल सब कुछ मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे मास्टर भाई उनका लेवल अटक गया, उनका लेवल अप हो ही नहीं पा रहा, जी चक्कर में बेचारे 100 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये ट्री मैंने उनको दे दिया ना यार, तो पक्का उनका लेवल अप हो सकता है, इसलिए अब ये ट्री मुझे चाहिए। टांग की उनके अतिथि स्नेह संभल के जाइएगा, जो पेड़ है ना पेड़ अभी तक पका नहीं है और जैसे पकेगा उस पर जो फ्रूट आएगा ना फ्रूट ज्यादा यूज में होता है, तो उससे पहले तोड़िएगा मत वरना बेकार हो जाएगा। ये कहता यार यार मुझे मालूम है, जरूरत नहीं है सिखाने की। तो ये भी आगे जा रहा था तो पब्लिक भी देखती होगी, ओ माय गॉड ये लड़का पागल वागल क्या, तीन इतने स्ट्रॉन्ग बंदे आगे पहले से बैठे हुए तो भी उंगली करने यहाँ पे जा रहा है। तो एक लड़का कहता भी ये तो पक्का शायुन यहाँ पर होगा, जिसने जांग नाम के लड़कों को हराया भी था आने से पहले। दूसरा कहता जांग तो भी नल्ला है, वो ज्यादा खास नहीं था उसको हरा के, क्या इसको ये फीलिंग आ गया कि भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग है सही है क्या। तो हमारा मेक डर ये सारे बंदों पर अटैक करता जो बातचीत कर रहे थे और कहता सुनो भाई तुमको जो बोलना है ना तो बोल सकते हो, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना वरना तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। जो तीन बंदे पहले से पेड़ के पास बैठे थे ना, उसमें जुओ नाम का ये लौंडा भी था, पीले बालों वाला जो फ्लोवर बनाना चाहता था। कहता शायुन मेरी जान तू भी यहां पर आ गया, मुझे लगा रास्ते में डेंजर में आया होगा लेकिन देखने से लग तो नहीं रहा। ये भी देखता कह रही है इन तीनों के अंदर ये चोमो भी बैठा हुआ क्या यार, आई डोंट नो, ये देख के ना मुझे इरिटेशन हो रहा है। बाकी दूसरा जो लौंडा यहां पे था ना, दूसरा लौंडा कहता वो क्या हम तीनों बड़े कमाल के, इसलिए हम तीनों यहां पे बैठ के इंतजार करें, तुम्हारी औकात यहां पे नहीं जो हमारे साथ तुम बैठ के इंतजार करो या फिर पेड़ का हिस्सा तुम ले पाओ। ये भी कहता भाई हमारी तो बड़ी औकात है भाई, तुम्हारी क्या औकात यहां पे रहेगी। तो ये जो था भाई वो कहता सुनो भाई मेरे जितने भी फॉलोवर है ना समझो, उनमें से ये सबसे बड़ा सबसे कमाल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोवर है, मैंने इसको यहाँ पे बुलाया है, तो मेरी बात का विश्वास करोगे क्या। जो सुन दे लोग कहते हमारा कद्दू भी नहीं करेगा। ली चेंग नाम का जो लौंडा यहाँ पे था, अरे टाइम और स्पेस की बॉडी वाला, वो भी तीनों में से एक यहाँ पे था, वो कहता हमारे मेक कटर से साले तू लकी है। ये कहता यस मैं लकी हूँ, अभी तक ना ये पेड़ अच्छे से पका नहीं है तो इसका सामान अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि ये पेड़ है ना मेरा इंतजार यहाँ पे कर रहा था, मेरा इंतजार यहाँ पे कर रहा था। तो सामने से वो कहते क्या ये तेरा इंतजार कर रहा था कि जैसे तू आएगा तैसे ये पकेगा। अरे नहीं यार, लेकिन तूने जो बात बोली ना उस बात से मैं यहाँ पे दीवाना बन गया, ऐसे नहीं तुम्हें सबसे बढ़िया और सबसे कमाल का फॉलोवर है या तेरे पूरी दुनिया घूमने का, तो भाई मैंने पूरा इमेजिन भी कर लिया है। हमारा मैं कट अभी सुनता कि सच्ची में पागल वागल है क्या ये लौंडा। उतने में जो पेड़ था ना, पेड़ फाइनली यहाँ पे पक चुका था, उसके ऊपर का जो फ्रूट है ना मेन मिलने वाला था, ये सब यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते लेने के लिए कि भाई हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे और हम ही यहाँ पे लेंगे। उतने में भाई हमारा मैं कट नोटिस करते कि इसमें जो टाइम स्पेस वाला बंधन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है उसको अकेले हरा पाऊंगा, लेकिन भाई तीनों भी साथ में काम करता हूँ आपस में अभी लड़ने देता हूँ, बाकी वो दोनों मिलकर जैसे इस ली चेन को हराएंगे ना फिर जाके फूड मिलेंगे। तो ये तीनों लिटरली आपस में लड़ने लग जाते हैं उस फूड के लिए, स्पेशली वो दोनों मिलकर ली चेन को ही अपना टारगेट यहाँ पे बनाते हैं। ली चेन टाइम और स्पेस की पावर है, तो जो टाइम है ना वो टाइम स्लो कर देता है। जो हमारा मैं कट अभी नोटिस करता हुआ या इसने जो टाइम स्लो कर दिया, उतने में एक दूसरा अटैक आता है जो कि ली चेन को लगता है। मैं कट नोटिस करता भले ही टाइम स्लो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम रोक दिया, टाइम नहीं रोका, टाइम बस स्लो किया है, तो अटैक अभी नहीं तो बाद में ना इसको लगे जाएगा, जो कि इसको लगा भी वैसे फिर से लड़ाई झगड़ा होती है जिसपे ना ली चेंग ना तो भी वो दोनों पे भारी ही पड़ रहा था। वो दोनों भी नोटिस करते यार मानना पड़ेगा इसकी टाइम और स्पेस की बॉडी ने इसको सच्ची में काफी स्ट्रॉन्ग बना के रखा। उसके बाद भाई यही जो ली चेंग था ना हमला करने के लिए देख सकते भाई ऐसा कुछ यहाँ पे करता है, अपना कोई अटैक तैयार करता है जिससे पीछे ना एक मून अपीयर होता है जिसको लोग कहते हैं ब्राइट मून फेनोमेना। ये तभी अपीयर होता है जब अपना पूरा पावर यूज करने को तैयार था लड़ाई करने के लिए। तो बाकी दोनों थे वो लोग कैसे बैठे रहेंगे, वो दोनों भी अपना कोई अटैक तैयार करते हैं, लोग आपस में फाइट किए जा रहे, एक दूसरे को चोट यहाँ पे पहुंचाया जा रहे। हमारे मैकटा को इसी का तो इंतजार था कि आपस में फाइट करो, एक दूसरे की जान निकालो, चोट पहुंचाओ, मैं पीछे से अटैक करूंगा। तो ये पीछे से अटैक करने को तैयार था और अटैक कर देता ली चेंग के ऊपर, कोशिश करता ली चेंग बचने की भी नहीं बच पाता उसको लगती है, जिससे मुंह से ना खून की उल्टी भी होती है, दूर लिटरली दूर जाके गिरता है। जो आसपास की पब्लिक थी ना देख के चौंक जाती है, ओ माय गॉड ये क्या हमने देख लिया, हमको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। ली चेंग जो इतना स्ट्रांग माना जाता है उसको शायद उन्हें एक धक्का देकर दूर भगा दिया, यानी सोचो भाई ये लड़का कितना स्ट्रांग होगा। सामने से वो लड़का ली चेंग वो भी हिला पड़ा कि ओ माय गॉड हाउ इज दिस पॉसिबल। मुझे याद है एल्डर ने हमारे साइड का जिसने भेजा था उसने बोला था कि भाई ये स्ट्रांग रहेगा लेकिन उतना भी स्ट्रांग नहीं जिसके सामने मैं यहाँ पे टिक ना पाऊं, लेकिन जैसे इसने अटैक किया ना मुझे इसके अटैक में लगभग 8 या 9 लाख जितना पावर मुझे महसूस हो रहा है, यानी उस एल्डर ने मुझे झूठ बोल दिया। हमारे मेन कटा तो खुश है कि यस भाई अब ये पेड़ ये मेरा यहाँ पर हो गया बल्ले बल्ले। तो आराम से मेन ट्री नहीं बल्कि मेन उसके ऊपर जो आइटम है वो आइटम चाहिए था ले लेता खुश
किया सो मेरे हाथ में लग गया। वो तीनों लौंडे देख के चौंक जाते, भाई मेहनत कब से हम लोग किए जा रहे थे, एंड में फूड इसके हाथ में लग गया। पब्लिक कहती वो यार ये तीनों लगे पड़े थे, इसने बीच में उंगली किया और अपना फायदा यहाँ पे निकाल लिया। मानना पड़ेगा साला कितना लक किया, इसने पीछे से अटैक किया था ली चेंग के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ खास नहीं है भाई, पीछे से अटैक करके तो कोई भी हरा सकता है। और जो दूसरा लड़का था ना वो कहता भाई तूने ली चेंग पे अटैक कर दिया, तुझे क्या लगता है कि भाई हो गया, जीत गया? नहीं, और चुपचाप मेरे हवाले कर दे तो मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा। जो जुगो था ना वो भी कहता भाई मानना पड़ेगा तुझे जो कांड किया ना देखकर मैं तेरा और भी दीवाना बन गया, और तू मेरा नंबर वन भाई मतलब पूरे दुनिया का नंबर वन फॉलोअर यहाँ पे बन जा, मैं दुनिया में नंबर वन बनूंगा और अपने बाद मैं तुझे नंबर टू पे रखूंगा, वैसे फूड मुझे यहाँ पे दे दे। सामने से ये भी कहता मैं किसी को भी फूड यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ, चुपचाप यहाँ से निकलो वरना लड़ाई करने आओगे तुम्हारी भी जान यहाँ पे निकल सकती है। लेकिन वो लड़का सेकंड वाला वो अटैक कर देता है, देख सकते हैं अटैक करने के लिए ऐसा हाथ तैयार करता है और कहते तू चाउस होली लैंड सेट का मेंबर है ना, कई साल से तेरे सेट वाले यहाँ पे आ नहीं रहते लेकिन आज तू पहली बार यहाँ पर आया है इतने समय बाद, इससे तेरी जान निकालूंगा ताकि तेरे सेट वाले ना आगे चल के किसी और लोग को भेजे भी ना, हमारा मैं कटर यहाँ पे ढेर सारे भाई अपने अटैक तैयार करता, मुक्के वाले देख सकते हैं, और उससे उस लड़के के अटैक पे हमला करके उसकी बैंड बजा देता है। वो लड़का भी हिल जाता है, ऐसे कैसे यार ये कैसे पॉसिबल यहाँ पर है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जो आस पास की पब्लिक थे ना वो देख के चौंक जाती, कह रही यार हमको लगा इसने ली चेंग पे पीछे से अटैक किया ना तो उसके सामने जीत गया, ये तो सामने सामने अटैक कर रहा है, इसके सामने भी ये जीत रहा है, यानी लड़के में दम है, इस लड़के में शायद पक्का दम है। हमारा शयून कहता मैंने कहा था पंगा मत लो, होने नंगे हो जाओगे, होने को तैयार हो जाओ। तो वो लड़का अपना ना होली किंग बॉडी था या फिर ऐसा कुछ बॉडी यहाँ पे था वो एक्टिवेट यहाँ पे करता है, जिससे देख सकते हैं ऐसा फिगर तैयार होता है। हमारा मेकट उसके इस फिगर पे भी हमला करके ना वो पूरा फिगर यहाँ पे तोड़ देते हैं, और फिर लड़के पे भी अटैक करते, लड़के को ना दूर हवा में यहाँ पे उछाल देता है और कहता बस यार बड़ा कमाल का बॉडी था मैंने देख लिया, क्या नल्ला बॉडी है भाई, एक अटैक भी यहाँ पे टिक नहीं पाया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, हाँ ये चैप्टर यहीं पे खत्म। इस चैप्टर में मैंने टोटल चार नहीं इस एपिसोड में मैंने चार चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो भी 7 मिनट के यहाँ पे बना क्योंकि भाई चैप्टर्स जो भी है ना इसके काफी छोटे छोटे थे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।